चलो एग्जाम में बैठना चाहते हैं कि ध्यान में रहना है और ध्यान रखना होता है कैमरा देखते हैं चलो चलो बस कैमरा जाना कोई गेम ना से Thank you.
हरे कृष्णा सब सब का हाथ दे दो दी हरे कृष्णा Thank you.
श्रीमद भक्ति प्रकट केशव गोस्वामी महाराज की जय। सरस्वती कृपा महामहोत्सव की जय। जय श्री शारदीय राजपुति महामहोत्सव की जय। जय श्री कार्तिक व्रत और जगत कार्तिक श्रीमती राधा रानी की जय। कृष्ण चंद्र की जय। अनंतपुट वैष्णव वृंद की जय। महाराज की जय। श्री मुरारी पुत्र प्रभु की महामहोत्सव की जय। ताई गुण प्रमानंदे सारी गिनती हैं करती हैं। गौड़ी गीति पूछा होगा तो निकाल दो उसमें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। इसको बाद में गीति कहते हैं। आप लोग गौड़ी गीति कुछ नहीं आज बलराम सामने आए राधा कृष्ण तो हरे कृष्णा। आज राधा दामोदर व्रत है इसलिए निकाल राधा कृपा कथा का स्तोत्र निकाल निकाल तुम लोग पास में। हरि बोल। हरे कृष्णा कहाँ गया वो ग्रंथ का में। हरे कृष्ण मुनिंद्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रभाल बाल पल्लव प्रभारुणांगी कोमल चेत्र संचर चकोर सावलोचनी कदा करी ससी
वैष्णव ठाकुर दयाल सागर अगर गिरती कुछ हो तो उसको निकालो। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा Yeah.
ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के श्री चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण
कद आज है विशेष विशेष तिथि है, कद सवेरे हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो महीना है ये महीना का अलग अलग नाम है। एक नाम है राधा दामोदर व्रत, दूसरा नाम है केवल श्री दामोदर व्रत, तीसरा नाम है ऊर्जा व्रत, चौथा नाम है कार्तिक व्रत। इसको अलग 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 रूप में इसको बताया गया, इसलिए हम लोग सवेरे श्रवण कर रहे थे ये महीना का इतना क्यों महत्व है। सवेरे हम लोग ने श्रवण किया, इसी महीना में ही कृष्णा घर घर में मक्खन चोरी करते थे, इसलिए मैया जसोदा ने कान्हा को उखल में बांध दिया था। वो अनंत है, असीम है, जिसका बाहर भी नहीं, जिसका भीतर भी नहीं, लेकिन मैया की प्रेम रज्जु में भगवान बंध गए असीम होते हुए भी। इसलिए ये एक दूसरा है, सबरे श्रवण कर रहे थे रास लीला करते करते, जब राधा रानी मान करके रास छोड़ करके चली गई, कृष्ण उनको मनाने के लिए उनको पीछे पीछे गए और सुंदर फूलों से राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की है। श्रृंगार करने के बाद अभी राधा रानी के अंदर में भी अभिमान आ गया। इतने में जब गोपियां ढूंढते हुए आ रही थी, कृष्ण बोले चलो यहाँ से जल्दी चले जाते हैं, बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे रास्ते से मेरे को उठा करके ले आए थे ऐसे ही उठा करके ले चलो। बोले क्या कंधे में बैठो? बोले बैठा लो। बस इतने में कृष्ण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। फिर गोपियों ने मिल करके यमुना किनारा में गोपी गीत गाए। गोपी गीत गाने पर कृष्ण मनमथ का मनमथ रूप लेकर के गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। प्रकट होने पर गोपियों ने अपना चुंदरी की आसन बना करके कृष्ण के जो चदर था राधा रानी का, जो चुंदरी को अच्छे तरह से गांठ बांध दी। बोले ये कन्हैया बड़ा नटखट है और बारंबार हमारी किशोरी जी को छोड़ करके ये चले जाते हैं, इसलिए ये महीना का नाम भी राधा दामोदर व्रत है। इसलिए इसी महीना में भगवान ने वरदान दिया है और ये महीना की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी, इसलिए इसका एक नाम ऊर्जा व्रत। ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश, बात तेज है, इसलिए कृष्ण का तेज कौन है, शक्ति कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए इसी महीना को अगर थोड़ी सी कोई पालन करे, इसी महीना में जैसे आप लोग आरती में आते हो, कोई तुलसी की परिक्रमा करे, ठाकुर का नाम कीर्तन करे, धाम को परिक्रमा करे, गिरिराज की परिक्रमा करे, वृंदावन की परिक्रमा कोई लगाए, इसी महीना में लगाए, तो थोड़ी सी कुछ करे ना, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना चरण की ठाकुर जी उनको भक्ति और उनको प्रेम प्रदान करते हैं और अपना धाम को सेवा को प्राप्ति कराते हैं इसी महीना में। और इसी महीना को ही अवलंबन करते हुए कि जो गौड़ीय वेदांत समिति को जिन्होंने स्थापन किया, नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज का आज श्री तिरुभाव महामहोत्सव। तिरुभाव मतलब होता है आज का दिन, उन्होंने आज इस संसार को छोड़ करके प्रभु की नित्य लीला में आज ही गए हैं। इसलिए जैसे साधारण जगत में कहते मर गया, बोलते ना मर गया, लेकिन हमारी भक्ति जगत में मरना शब्द नहीं, भक्ति जगत में अप्रकट हो गए व अंतर ध्यान हो गए हैं। और भक्ति जगत में तिरुभाव विरह ये सब शब्दों को प्रयोग करते हैं। बोले कारण किया? बोले कारण है कि जो संत लोग होते हैं ये ठाकुर को इच्छा से ही ठाकुर इनको गोलोक वृंदावन से भेजते हैं। बोले जाओ, ये जगत में जो जीव भगवान को भूल करके संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इनको उठा करके अपना घर में ले आओ, हैं अपना घर में उनको ले आओ। इसलिए ठाकुर को द्वारा प्रेरित होकर के आते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है फिर ठाकुर जी की इच्छा से फिर इनको ठाकुर जी अपना चरण में ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं विरह महोत्सव। कोई व्यक्ति जब मरता है हम कहते दुख होता है ना, लेकिन इसमें दुख शब्द नहीं, या महोत्सव मतलब उत्सव शब्द प्रयोग किया। बोले कारण क्या? बोले कारण है
जब गोलोक वृंदावन से एक मंजरी बा राधा रानी की एक सखी इसी जगत में आ करके अनंत जीवों को उन्होंने भगवान की भक्ति में उन्मुख करके, भगवान की भक्ति में लगा करके, जब यहाँ छोड़ करके उसी जगत में जाते हैं, वहाँ पर श्री राधा कृष्ण श्री महाप्रभु इनको स्वागत करते हैं, इतने जीव को उद्धार करते हुए विजय करके और गोलोक वृंदावन में वापस आए। इसलिए यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है जैसे चले गए, लेकिन गए कहाँ, ठाकुर जी के पास में। और यहाँ पर बड़े धूमधाम गोलोक वृंदावन में उत्सव होता है, इसलिए उनको विरह महोत्सव बताया गया उनको है, इसलिए। लेकिन उनके लिए तो महोत्सव, लेकिन हम लोगों के लिए कभी कभी दुख है, क्योंकि इसलिए महाप्रभु उनका एक भक्त था जिनका नाम था राय रामानंद। उन्होंने पूछा, बताओ तो जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाहीं देखी पर। जगत में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है, जब भगवान की भक्तों से हम बिछड़ जाते हैं, भगवान की भक्त से दूर हो जाते हैं, ये सबसे जगत में सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि जब तक भक्त रहेंगे तब उनकी कथा सुन करके हमें भक्ति में उत्साह आता है, लेकिन जब भक्तों का संग नहीं रहेगा, कथा नहीं सुनेंगे, फिर हमें भक्ति में उत्साह कौन प्रदान करेगा है। इसलिए कहते जगत में सबसे बड़ा दुख है, कहते ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा संपद है संतों का आविर्भाव होना। अब सबसे बड़ा दुख है जब ये संत जगत से छोड़ करके, ये जगत छोड़ करके चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा ये दुख है। इसलिए आज का दिन हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ठीक इसी समय शाम का समय में हैं, ठाकुर जी की आरती हो रही थी। आरती होते होते हठात राधा रानी की गले में एक माला थी, ये माला अपने आप टूट गया, टूट करके अपने आप गिर पड़ा। ठीक उसी समय में उन्होंने कहे, मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़े, राधा रानी की गला की माला अपने आप टूट कर गिर पड़ा। मतलब है आज का जो दिन है, आज का जो दिन सारा दिया रास है। ठाकुर जी ने आज का दिन ही उन्होंने बंसी बट को नीचे खड़े होकर के बंसी की निनाद की, और गोपियां अपना अपना काम छोड़ करके सबके सब रास लीला में उपस्थित हुए हैं। लेकिन सबके सब तो उपस्थित हुए हैं, लेकिन उसमें एक सखी की कम थी। बोले कौन है, हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो कृष्ण लीला में श्री विनोद मंजरी, ये विनोद राधा रानी की जो विनोद मतलब आनंद प्रदान करते हैं, इनका नाम विनोद मंजरी। माने इनकी केवल अभाव था और उन्होंने राधा रानी की गला से माला क्यों गिर पड़ा, कारण है राधा रानी अपना सेवा में नित्य सेवा में बुला लिया। बोले जिस काम के लिए तू गया था वो काम तुम्हारी हो गया, अभी मेरे पास में तुम चले आओ। बोले श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। कहते ये जो महापुरुष है, कहते इनका जन्म कहाँ पर हुआ, बोले ये पूर्व बंगाल में ये जन्म हुए। कहते ये पूर्व बंगाल कौन सा स्थान है, बोले जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के जहाँ पर विजय किया था, जहाँ पर गए थे, पूर्व बंगाल वो स्थान है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंगाल गए थे, वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम पद्मा, जब महाप्रभु वहाँ पर स्नान किए, महाप्रभु नदी को बोले पद्मा मैं ये संसार छोड़ करके जब जाऊँगा, मैं अपना प्रेम को तेरे पास में रख करके जाऊँगा, बाद में एक बहुत बड़ा एक महापुरुष आएगा, ये प्रेम उन्हें प्रदान करना। बोले हमें कैसे पता चलेगा ये महापुरुष, बोले वो इतने इनकी महिमा, उनके चरण स्पर्श होते ही तुम्हारी पानी में तू अपने आप उफरने लग जाओगे, अपने आप फिर पता चलेगा ये वही महापुरुष है। जब श्री वो कौन थे, बोले श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये थे, हैं नरोत्तम दास ठाकुर। जब ये पानी अपने आप उफना, उसी समय में एक हवा की झोंक आई, और हवा की झोंक आते ही वो पानी को स्पर्श करते हुए वो जिधर ये हवा चली गई ना, उसी तरफ से बड़े बड़े महापुरुष लोग हुए। मेरे गुरुजी भी उधर से हुए हैं, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज भी हुए, भक्ति हैं दैत माधव गोस्वामी महाराज भी उधर आए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, बड़े बड़े संत पुरुष उसी तरफ से ही साधु बने हैं, उसी तरफ से साधु बने। और जब इन्होंने
श्री प्रभुपाद को श्री चरण में जब आए हैं, तो जब प्रभुपाद बड़े दुखी थे पहले, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है इनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनका जो गुरुदेव थे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इन लोगों ने प्रभुपाद का विद्वता को देख करके बोले ये ऐसे के बेटा बालक है, इतने विद्वान हैं, एक दिन सारा दुनिया में ये महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार करेगा। उन लोगों ने बहुत कुछ दायित्व देकर गए थे, तुम जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार करना, क्योंकि महाप्रभु का जो भविष्य वाणी है एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी के लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जो हरे बर बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी था और ये बालक एक दिन सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने बहुत किछु सेवा के दायित्व देकर गए थे। प्रभुपाद दुखी हो रहे थे, मैं कैसे इनके आदेश पालन करूंगा, क्योंकि प्रचार के लिए दो चीज चाहिए, कितना चीज चाहिए, दो, क्या क्या, धन बल जन बल, एक है पैसा की बल चाहिए और एक है जन बल चाहिए, ये दो बल अगर हो फिर तो महाप्रभु का वाणी को आगे प्रचार कर सकते हो। बोले मेरे पास में धन तो है ही नहीं है और मेरे पास में लोग तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं कैसे ये काम करूँगा, बड़े दुखी हुए थे। और उसी समय में प्रभुपाद 3-3 लाख हरिनाम करते थे, हैं 3 लाख 3 लाख हरिनाम करते थे प्रभुपाद। एक दिन बड़े दुखी होकर के चिंता कर रहे थे, जब सो गए ना इतने में उनकी स्वप्न समाधि में स्वयं महाप्रभु आए परिकरों के साथ में। बोले प्रभुपाद तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तेरे पास में धन नहीं जन नहीं कैसे प्रचार करूंगा, चिंता मत करो, हम ये सबके सब देने के, केवल तुम प्रचार करना शुरू करो, हम सबके सबको में हम भेज रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को जो लोग आए हैं ये सब चैतन्य महाप्रभु का द्वारा प्रेरित ये महापुरुष है। इसलिए जब इन्होंने श्री प्रभुपाद के पास में आए, इनको प्रभुपाद ने पूछा, बोले इनका घर का नाम था विनोद, इनका जो जन्म है बड़े धनाढ्य घर में जन्म हुई, साधारण घर में जन्म बहुत बड़े धनाढ्य हुए, एक परिवार में ये दो भाई ही संत हो गए थे, जैसे रूप सनातन है ना, ये दोनों भाई उन्होंने घर छोड़ करके श्री प्रभुपाद का चरण में ये दोनों भाई ही शरणागत होकर घर का दो भाई साधु बन गए थे हैं। इसलिए ये बड़े धनी परिवार घर में जन्म हुए हैं। उसी समय में ब्रिटिश का समय था, इन्होंने ब्रिटिश का विरोध में उन्होंने भी बहुत लड़ाई किया है, विरोध में हैं, इन्होंने बहुत लड़ाई की है उन्होंने ब्रिटिश के विरोध में। जब इन्हें सब छोड़ करके इन्होंने आ गए तब तो प्रभुपाद इनको पूछे, बोले विनोद तुम अभी तक कहाँ था, बोले गुरुदेव अभी तक तो आप मेरे को याद किया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं आया, अब आप मेरे को अभी याद किए हो इसलिए आपकी सेवा में मैं अपने आप आ गया है, इसलिए अपने आप आ गया। इन्होंने ऐसे सेवा की प्रभुपाद की जो सोच नहीं सकते हो, इतनी सेवा की। इनका एक दो सेवा की बात सुन लो, इन्होंने पहले मुसलमान लोग, आपको पता होगा हमारे सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ करके, जैसे कृष्ण का जन्म स्थान राम जन्म जन्मभूमि काशी विश्वनाथ तोड़ फोड़ करके औरंगजेब ने उन्होंने ध्वंस विध्वंस कर दिए और सबके सब नाम का भी नाम बदला दिया हैं। इसलिए जो मायापुर हम जाते हैं ना परिक्रमा में, नवद्वीप परिक्रमा में गए हो, कौन कौन गए नवद्वीप परिक्रमा में, जहाँ पर महाप्रभु का जो जन्म स्थान, इन लोगों ने उसका नाम रख दिया मियाँपुर, मायापुर का भगवान का धाम का नाम रख दिया उन्होंने मियाँपुर रख दिया, जैसे अभी इलाहाबाद नाम रखा है ना प्रयागराज को, इलाहाबाद रख दिए सब उन्होंने, सब नाम ममिनाबाद मथुरा का नाम और सब ऐसे ऐसे सब नाम बदला करके रख दिया, और जोगिया आए तो सब बदला दिया हैं। इसलिए इन्होंने उसका नाम रख दिया मियाँपुर नाम रख दिया, और उन्होंने महाप्रभु का जो जन्म स्थान था उन्होंने उसको जोर जबरदस्ती मुसलमान का कब्रगाह बना दिया, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को
कब्रगाह बना दिया उन्होंने, हैं? जब कब्रगाह बना दिया, इतने में जब प्रभुपाद आए, बोले देखो कहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर को मियापुर रख दिया और ये स्थान को मुसलमान ने कब्रगाह बना दिया। एक दिन प्रभुपाद कह रहे थे, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो कि महाप्रभु का जन्म स्थान को उद्धार कर सके, कोई है जो उनकी इच्छा को देखा? देखो उन्होंने कई पहले इन्होंने जमींदार थे इसलिए उनको सारे और इतने ये बुद्धिमान थे, भक्ति प्रज्ञान कुछ कह, इतने बुद्धिमान थे, बड़े बड़े वकील लोग इनसे परामर्श लेने के लिए आते थे, बड़े बड़े वकील लोग हाँ केस में लड़ने के लिए इसका परामर्श लेने आते थे, इतने तीक्ष्ण बुद्धि के ये थे, हे को नहीं नहीं को हे करने वाले ये महापुरुष थे, बड़े साहसी थे इन्होंने। तब जब प्रभुपाद की उन्होंने इच्छा को समझा, कोई क्या महापुरुष का स्थान को उद्धार नहीं कर सकते, देखो उन्होंने क्या किया, बोले गुरुदेव का इच्छा है जरूर मैं करूंगा, गुरु सेवा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयारी हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात उन्होंने 20-25 मजदूरों को बुलाया, हैं मजदूर को बुला कर रहता रात उन्होंने गए जा करके जितने कब्रगाह था ना मुसलमान का मरने के बाद वहीं पर गाड़ देते थे, उन्होंने सब के सब उखाड़ दिया, उखाड़ करके पास में गंगा में उन्होंने बहा दिया, गंगा में बहा करके चारों तरफ पे बाउंड्री लगा दिया और बड़े बड़े पेड़ को दूसरे थाने से उखाड़ करके लाए, उखाड़ करके छोटे छोटे पेड़ नहीं बड़े बड़े पेड़ को वहां पर लगा दिया, घास ला कर लगा दिया, हैं? जब लगा दिया दूसरे दिन मुसलमान लोगों ने देखा, ये क्या, ये तो हमारे मुसलमान का कब्रगाह था, इसके चारों तरफ पे क्या बाउंड्री लगा हुआ बड़े बड़े, उन्होंने जाकर रिपोर्ट कर दिया पुलिसियों को, रिपोर्ट जब कर दिया इतने में पुलिस आए देखने के लिए, बोले तुमने क्या किया, वो कहते हैं क्या उनका कब्रगाह था और तुमने इसको दखल कर लिया, बोले एक दिन में इतने इतने पेड़ कभी तो हो सकता है, पुलिसियों को बोले अगर कब्रगाह होगा तो श्मशान इतने बड़े बड़े कभी पेड़ हो सकता है, कभी कभी एक दिन रात को इतने बड़े बड़े पेड़ हो, बोले नहीं हो सकता है, बोले एक रात में इतना बड़ा प्राचरी कहीं लग सकती, बोले नहीं, बोले देखो बोले उनको पूछे भैया तुम्हारे क्या प्रमाण या कब्रगाह था, बोले हम मुसलमानों को गाड़ते थे, बोले एक भी दिखा दो यहाँ पर एक भी दिखा दो हम मान जाएंगे, क्योंकि रात रात उखाड़ करके उन्होंने पूरा पूरा कहाँ बहा दिया, गंगा में सबके सब बहा दिया। ये ऐसे ही ये महापुरुष इतने साहसी थे, जो महाप्रभु के जैसे हमारे अभी राम जन्मभूमि को लेकर कितने सालों से लड़ाई होकर के अभी जाकर किसी तरह से वो जगह को लिया, लेकिन उन्होंने एक रात में महाप्रभु का जो जन्म स्थान को उन्होंने पूरा दखल कर लिया पूरा पूरा, इतने बड़े कोई सैन्य सामंत नहीं, कोई पुलिस का बल नहीं, इतने इनके अंदर में साहस था, ये महापुरुष का इतने साहस इनके अंदर में थी। रात इन्होंने बदला दिया और एक भक्ति विनोद ठाकुर का है एक भजन कुटीर था जिसको किसने एक सहजिया ने जिसको दखल करके रखा था, प्रभुपाद ने बोले ये प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर का भजन स्थान को ये सहजिया लोग किया दखल कर रखेंगे, इसको क्या कोई उधार नहीं कर सकते, देखो ये कितने साहसी थे। इन्होंने क्या किया 15-20 है जो जाट होते हैं ना जो काम जाट लोग हैं उनको ले लिया, बोले बड़े बड़े डंडा लो हैं बड़े बड़े डंडा लेकर के वहां पर चलो और उनको लेकर चले गए और लेकर के उनको जा करके बोल दो वहां पर जो बैठे हैं कोई बाबा जी महाराज, बोले देखो बिमला प्रसाद आ रहे हैं ये जगह को दखन करने के लिए और यहाँ से देखो अब लोग गए, पहले चारों तरफ में जितने जमीनी जगह तो देख रहे हो वहाँ ये सब के सब गौड़िया मटका था और इतना जमीनी जगह तो कौन करेगा, इन लोगों ने मुसलमान किया था उसमें मुसलमान वहां पर थे, बोले जैसे होता ना भाग से आधा तुम्हारे और आधा हमारे, जो जमीन में जो खेती होगा आधा तुम लोग लेना और आधा हमको, लेकिन उन लोगों ने धीरे 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 क्या किया, बोले बाबा जी लोग क्या कर लेंगे संत लोग भजन करने वाले, उन लोगों ने धीरे 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 जो जमीन को खेती करके जो देते थे ना धान कुछ देते थे धीरे धीरे बंद कर दिया है सब चीज को, उन्होंने बंद कर दिया सारी चीज को बंद जब कर दिया, अभी संत लोग क्या करेंगे बेचारे भजन करने वाले माला जप करने वाले और इनको तो लड़ाई दंगा से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब ये महापुरुष आए, ये पहले जमींदार थे ना जमींदार थे वो देखते थे लैंडलॉर्ड थे उनको पता था कैसे किसको दखल करना कैसे किसको ऊपर राजत्व करना सब पता था, इन्होंने जब सुना प्रभुपाद से
ये सारे ठाकुर जी की महाप्रभु का संपत्ति को ये मुसलमान लोगों ने दखल कर लिया, और कोई यहाँ के जमीन करके कोई इसका गेहूं चावल कुछ देते ही नहीं। बोले ऐसे बात है, अभी मैं दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक मुसलमान को पकड़ करके लाए और वहाँ पर एक कटहल का पेड़, जो गए देखे होंगे, उन्होंने वो कटहल का पेड़ में बांध दिया और कोड़े ले करके ऐसे मारे उसको, ऐसे पिटाई उन्होंने किया उनको, ऐसे पिटाई किया। बोले ठाकुर का संपत्ति तू देता कि नहीं, ना जान से मार देगा तो तुमको पुलिस में दे दूंगा, ऐसे पिटाई उसको किया है ना, पिटाई करके छोड़ दिया। उसने जा करके बोल दिया, भैया कहाँ से एक विनोद बाबू, आप उनका फोटो देखोगे, ये उस समय में घोड़े के ऊपर चलते थे, घोड़े के ऊपर उस समय चलना कोई साधारण बात नहीं था, राजा महाराज लोग घोड़े के ऊपर चलते थे और ऐसे संतों का ड्रेस नहीं पहनते थे, वहाँ पर एकदम शांतिपूरी एकदम प्योर फाइन धोती और कभी कभी कूट बोट सूट पहन कर चलते थे और पूरा के पूरा टोपी लगाकर, जैसे बड़े बड़े जमींदारी है, क्योंकि प्रभुपाद का संपत्ति को ये लोग धीरे 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 ठाकुर का संपत्ति को अपहरण कर रहे थे, इसलिए उनको दखल करने के लिए वो ऐसे पूरा जैसे बड़े राजा महाराज का जैसे ठाट बाट होता था, ऐसे ये महापुरुष चलते थे। और उसको जो छोड़ दिया, उसने जा करके बोल दिया, भैया कहीं से कि विनोद बाबू आया है, हाँ इतने कठोर है, हमको इतने पिटाई किया, कटहल का पेड़ में बांध करके। बोले जा करके सारे मुसलमान को बोल दो जो टैक्स देते थे सारे को सारे ला करके दे। उन्होंने जा करके बोल दिया और सबके सब कांप उठे, और दूसरे दिन से ना सबके सब जो बहुत दिन से जो टैक्स नहीं कर नहीं दिया था सबको सब ला करके प्रभुपाद को इन्होंने देने लगे। प्रभुपाद को इन्होंने ऐसे ऐसे ये काम किया ये महापुरुष ने। इसलिए सब जगह में आप देखोगे जितने ठाकुर है कृष्ण काले देखोगे, कृष्ण काले देखोगे, लेकिन इनका इन्होंने जितने मंदिर स्थापन किया देखोगे वहाँ पर कृष्ण काले नहीं कृष्ण गोरे है। सारे मंदिर में ठाकुर जी को उन्होंने गोरे 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 उन्होंने ठाकुर जी को गोरे, बोले उन्होंने ठाकुर जी को जब गोरे स्थापन किया, कुछ कुछ लोगों ने इनको बोले, बोले इनका जब सन्यासी नाम हुआ इनका नाम हो गया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, पहले ये सन्यासी नहीं ले रहे थे, बोले सन्यासी लेकर क्या करेगा, भजन करते करते जीवन को बिता दे। लेकिन एक समय हैं, एक समय हैं, अभी हमारे चिराग प्रभु इनको कथा सुनाया था, वो कथा सुनाएंगे कैसे एक समय जब इन्होंने घोर प्रचार किया हैं, सारे मतवाद को खंडन कर रहे थे, सब लोग डर रहे थे, हैं सब लोग डर रहे थे इनकी प्रचार को देख, प्रभुपाद का प्रचार को देख करके, इनका जो गुरुजी थे इनके प्रचार को देख सारा दुनिया कांप रहे थे हैं। एक दिन इनका जो प्रचार बड़े कठोर प्रचार था, प्रभुपाद कोई चीज को कंप्रोमाइज नहीं करते थे, बोले नहीं जो प्रभु का भक्ति वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति करने के लिए कोशिश करो। इनके प्रचार को देख करके सारा दुनिया में थर थर कांप उठे, और इनको किसने आकर के बोले प्रभुपाद अगर आप दो चीज को छूट दे दोगे ना, ये दुनिया में जितने संप्रदाय कोई संप्रदाय नहीं रहेगा, सबके सब आकर के आपको संप्रदाय में मिल जाएंगे। दो चीज अगर दो तीन चीज छूट दे दो, बोले दो तीन चीज क्या छूट दे दे, बोले एक बोल दो चाय सबको सब पी ले। प्रभुपाद बोलते चाय भी मत पिया कर, क्योंकि चाय में निकोटीन है, उसमें कैफीन डाले हुए है, चाय अच्छी चीज नहीं है। देखो जैसे शराब पिए, जब शराब पीने का समय आएगा ना, वो जब तक वो शराब नहीं पिएगा क्या होता है, वो बेचैनी से हो जाता है। कारण क्या, उसमें जहर है, उसमें नशा। इसलिए जो चाय में ये कैफीन और निकोटीन डाला हुआ है, ये अंग्रेजी लोगों ने अपना बिजनेस को हमको चलाने के लिए उन लोगों ने धीरे धीरे फ्री में हमको पहले पिलाना शुरू किया, और हम तो बेकूफ फ्री में अगर जहर भी मिल जाएगा ना हम पी लेंगे। ये जहर था, ये था जहर है, ये कैफीन उसमें निकोटीन है। चाय पीने का समय आ जाए मत पियो, क्या होता है सर दर्द करना शुरू हो जाता है। ये अंग्रेजियों का बिजनेस, ये टेक्निक था, ये हिंदुओं को कैसे गुलाम बनाए, इसलिए उन्होंने फ्री में पैसे पहले हमको फ्री में पिलाया, और पिला पिला कर अपना बिजनेस चल गया तो बोले पैसा दो, पैसा निकालो, पैसा निकालो। इसलिए वो बोलते थे नहीं कोई नस्ली वस्तु को ग्रहण मत करो। इनको बोले प्रभुपाद आप बोले चाय चले, चाय को चला दो, और ये जो बीड़ी सिगरेट है ना, और ये प्याज लहसुन है, आप अगर इसको थोड़ा छूट दे दोगे तो वो सारा दुनिया के जितने सब संप्रदाय आकर के आपकी संप्रदाय मिल जाएंगे, एक ही संप्रदाय रह जाएगा। इन्होंने बोले भैया हमें एक ही चंद्रमा चाहिए, हजार हमें तारे नहीं चाहिए, केवल हमें एक चंद्रमा हमें जरूरत है,
हम चाहते शुद्ध रूप में जीव भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे। इनको इसको देख करके इनको जान से मारने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने भक्ति प्रज्ञान कैसे हो गोस्वामी महाराज, अपना ड्रेस बदला करके उनको सन्यास ड्रेस लिया। इसका मतलब प्रभुपाद ऑलरेडी उनको सन्यासी दे चुके थे, हाँ सन्यास ड्रेस, और इनको प्रभुपाद ने स्वप्न दिया, बोले विनोद धीरे 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 मेरे प्रचार बंद हो रहा है, धीरे 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 है पत्रिका बंद हो रहा है, ग्रंथ प्रकाश बंद हो रहा है, तुम जल्दी सन्यास लो, जल्दी सन्यास लेकर के फिर ये धर्म को, शुद्ध भक्ति धर्म को जगत में फिर धीरे धीरे धर्म प्रचार करो। फिर प्रभुपाद बोल करके उनको सन्यास दिलवाया, इन्होंने सन्यास ग्रहण किया, और सन्यास ग्रहण करते हुए और जगत में सारा दुनिया में महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने जगत में प्रचार और जगत में इन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। इसलिए ये महापुरुष ने जितने मंदिर में देखोगे ठाकुर सब सफेद, कृष्ण सफेद, किसी ने बोला ये सफेद ठाकुर कम पैसा ना, इसलिए इन्होंने क्या किया ये कृष्ण सफेद ठाकुर को स्थापन कर दिया। इनको किसी ने बोले, बोले इन्होंने सफेद ठाकुर क्यों स्थापन किया, बोले इसका कारण था, आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठा, वाह सबके सब वृंदावन गए, हाँ वो वृंदावन में एक स्थान है इमलीतला, जब कृष्ण रास से जब राधा रानी को छोड़ करके चले आए और उसी वृक्ष को नीचे उन्होंने राधा रानी की चिंता करते 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 कृष्ण जो काले थे ना कृष्ण गौर बन गए, राधा रानी की चिंता करते करते। इतने में राधा रानी जब ढूंढते ढूंढते आए, देखा ये तो पीताम्बर, हाथ में बंसुरी है, मर मुकुट है, लेकिन केवल इनकी रंग ही बदला हुआ है, हैं? राधा रानी समझ गई कृष्ण मेरी चिंता करते 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 ये अपना कृष्ण रंग को छोड़ करके गौर रंग को धारण किए। तब राधा रानी आकर इनको स्पर्श करते ही अपना गौर रंग को ले लिया, फिर कृष्ण काले रंग में आए। कृष्ण ने देखा यद्यपि मैं रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप है मुंह में, मैं मेरे से आनंद लेकर दुनिया आनंदित तो होता है, लेकिन आज जब मैं राधा रानी की चिंता में डूब गया, आज मेरे को एक अलग आनंद की प्राप्ति हुई जो आनंद मुझे कभी भी नहीं मिला। जरूर ये राधा रानी का प्रेम ही कोई चीज है, इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आने के लिए महाप्रभु ने इच्छा की कलयुग में मैं महाप्रभु रूप में जगत में अवतीर्ण होऊंगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर राधा कृष्ण क्या किया, राधा रानी के चिंतन करते करते डूब गए। इसलिए जो कृष्ण राधा पक्षी होते हैं वो यही चाहते हैं हमारे जो राधा रानी की महिमा हर समय ऊंचाई पर रहे और कृष्ण हर समय नीचे रहे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी की चिंता करते करते उन्होंने गौर वर्ण उन्होंने धारण किया। इसलिए उन्होंने हर गौड़ीय मठ में उन्होंने जो कृष्ण उन्होंने सफेद रंग, और जितने हमारे जैसे हम लोगों का नाम किया है भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत विक्रम, भक्ति वेदांत श्री हैं नारायण गोस्वामी महाराज, उनने सन्यासी का नाम सब वेदांत 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 नाम दिया, उनने सब वेदांत वेदांत नाम दिया। बोले वेदांत नाम क्यों दिया, कुछ लोगों ने इसका नाम भी गौड़ीय वेदांत समिति, इसका नाम भी गौड़ीय वेदांत समिति, इसलिए सब वेदांत उन्होंने नाम दिया है, गौड़ीय वेदांत समिति, वेदांत प्रकाशन, भक्ति वेदांत नारायण बामन सब वेदांत हैं। कुछ लोग ने इनको बोले अरे जो वेदांत ग्रंथ है ना ये मायावादियों का ग्रंथ है, हैं ये सब आपने सब वेदांत वेदांत क्यों नाम दे दिया, बोले नहीं ये वेदांत सूत्र व्यास देव का ग्रंथ है जिसमें श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका लिखे। देखो अच्छे तरह से समझो हम लोगों का ये वेदांत नाम क्यों, वेदांत मतलब क्या, वेद का अंत वा वेद का जो सार है, बोले वेद का सार क्या है, बोले निगम कल्पतरूर गलितम फलम, कहते जो श्रीमद् भागवत है ये वेदांत का जो पक्का हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है, हैं वेदांत का सार भागवत, कहते भागवत का सार क्या है, बोले दशम स्कंद कृष्ण का मुखारविंद, बोले दशम स्कंद में सार क्या है, बोले रास पंच अध्याय, रास में जो पांच अध्याय, कहते ये क्या है, बोले ये पंच प्राण, जैसे कोई शरीर है लेकिन अगर उसमें प्राण नहीं वो शरीर बेकार है, बेकार है कि नहीं है, अगर प्राण नहीं, उसी तरह भागवत का जो सार दशम स्कंद का ये रास पंच अध्याय, रास पंच अध्याय में सार किया, बोले राधा रानी का प्रेम,
राधा रानी का प्रेम, क्योंकि जब राधा रानी रास छोड़कर चली गई, रास बंद हो गया। आज इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भले जितने तुम लोग सखियां हैं, अभिमान तुम लोग करते रहो, लेकिन देखो देखो तो सही, कृष्ण किसको लेकर गए अकेले? बोले श्री किशोरी को लेकर गए। इसलिए अनयाराधित नूनम भगवान हरीश्वर, इसलिए सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। इसलिए भागवत का जो सार क्या है, कहती है राधा रानी का प्रेम ही सार। इसलिए जो वेदांत जो बताया, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत मतलब वेद का सार गोपियों की भाव, राधा रानी का प्रेम। इसलिए वेदांत मतलब जो राधा रानी को अनुगत्य में गोपी करने के लिए जो भजन करते हैं, ये सब के सब भक्ति वेदांत। उन्होंने ऐसे ऐसे नाम, फिलोसॉफिकल नाम दिया है, इसलिए इनकी बहुत सारी दिव्य चरित्र है। और हमारे बीच में कुछ कुछ भक्त लोग हैं, उनके चरित्र के ऊपर में थोड़ी 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 आप लोग थोड़ी थोड़ी उनके चरण में पुष्पांजलि देना, कहते उनकी महिमा बताना मतलब होता है उनके चरण में पुष्प देना है, क्योंकि उनकी महिमा गा रहे हैं ना। आप किसको खुश करने के लिए चाहे उसको महिमा गाओ, खुश हो जाते हैं। अभी वो भी देख रहे हैं गोलोक वृंदावन से, देखो बड़ों तो मेरे सब भक्त लोग बैठे करके मेरी गुणगान कर रहे हैं, वो वहीं से वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। ठीक है, अब तो आते हमारे चिराग प्रभु जी, आज हमको हमने कुछ उनको कथा सुनाए, उन्होंने कुछ प्रस्तुत किया है, सबके सब ज़्यादा समय नहीं, 10-10 मिनट के अंदर देना। हमारे श्री नवीन प्रभु बोलेंगे, बलराम प्रभु आप थोड़ा बोलेंगे। और तुमने कुछ पढ़ा, तुमने भी कुछ पढ़े? ठीक है, सब लोग कोशिश करना थोड़ी थोड़ी बोलने के लिए, देखो पीछे मत करो तो कोड़े में चले जाओ। ठीक है, ठीक ठीक थी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, आप देखो हरे कृष्णा, देखो आप जितने यंग बच्चे हैं कोशिश करना नोटबुक में सारी कथा को नोट करने के लिए, ऐसे नहीं चुपचाप बैठे हो। इसलिए हम चाहते हैं, तुम लोग तो भविष्य है ना मंदिर का, तुम लोग भविष्य है। शुभम क्या करते हो, बोल सकते हो? नहीं, इसलिए नोट नहीं करोगे तो बोलोगे कैसे? भाग नोट कर सब, ए बच्चा माला रखो, सारी कथा को नोट करो। जितने बच्चे यंग बच्चे सब के सब, हम चाहते हैं तुम लोग ही तो भविष्य थे ना मंदिर का, तो भविष्य तो तुम लोग हो, इसलिए सारी कथा को नोट करना। देखो एक समय प्रभुपाद को किसने से ध्यान देकर सुनो, किसने एक बार प्रभुपाद को बोला, बोले प्रभुपाद जी आप शहर शहर में एक एक मंदिर को स्थापन करो। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहते शहर शहर की क्या बात कहते हो, बोले ग्राम ग्राम की बात करो। वो कहते हैं ये ग्राम ग्राम की क्या बात करते हो, मैं एक एक व्यक्ति को एक एक मठ बना दूंगा। क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति ही एक एक ये गौड़िया मठ है। इसलिए जितने आप माता हैं, आप लोग भी कथा को ध्यान से सुनो, ठीक है ना, और आप लोग भी आपका अड़ोसी पड़ोसी स्वयं को प्रचार करके भक्त बनाना। हम चाहते पूरा की पूरा सारा दुनिया भगवान की प्रेममय हो जाए, भक्तिमय हो जाए, घर घर भगवान का कीर्तन कथा। हाँ बोलो जल्दी। नमः ओम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिने श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव भक्ति नामिने। एक श्लोक श्री रास पंचाध्याय का। पादन्यासै भुजित विश्वस्मृतै भ्रूविलासै भज्जन मध्यै चलकुटपटै कुण्डलै गण्डलोलै सत्यन मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तै तडितैमता मेघ चक्रे विरेजु। हरे कृष्णा, मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म मुझे बाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण में बार बार प्रणिपात करता हूँ। श्रीपाद केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं समस्त मेरी गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
आज ऐसा अद्भुत अद्वितीय दिवस श्रीपाद श्री महाराज जी के दिव्य सिद्धांतों का प्रसाद श्री गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा हुई है कि मैं श्री हमारे आचार्य गण के विषय में उनके दिव्य चरित्रों से उनके चरणों में पुष्पों को अर्पण कर सकूं। इसलिए उनका दिव्य चरित्र जो है दास ने श्री गुरुदेव की कृपा से यथामति जितनी अल्प बुद्धि से छंदबद्ध करके इस चरित्र को आपके सामने दिव्य प्रसाद को वितरित करने की ये दास चेष्टा कर रहा है। श्री केशव गोस्वामी पाद आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री केशव गोस्वामी पाद आपकी जय हो जय हो जय हो। अभिष्ट प्रभु पाद को करने पूर्ण धरा पे धरे आपने चरण। सकल वैष्णव मुख तब उद्धरण आपकी जय हो जय हो जय हो। केशव गोस्वामी पाद आपकी जय हो जय हो जय हो। महाराज श्री प्रभुपाद जी के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए ये धरा धाम पे प्रकट हुए हैं। इनकी प्रत्येक जो क्रिया है मानो प्रभुपाद को अलक्षित करके ही होती है। रूप में दिव्य लावण्य स्वरूप अद्भुत महाराज इतना दिव्य तेज जन्म से ही। रूप लावण्य की शोभा न्यारी कहे को सके प्रभु कीर्ति तुम्हारी। आपके चरणन में बलिहारी आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री केशव गोस्वामी पाद आपकी जय हो जय हो जय हो। एक समय ये छोटे से थे तो महाराज इनको चील जो है वो उठा करके ले गई थी। इनकी ही इच्छा हुई थी कि मैं भ्रमण करूं वरना महाराज इनको कौन उठा सकता है। जैसे श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य लीला में उनको इच्छा हुई कि कहां मैं माखन चोरी करूंगा कहां गोपिन के द्वार द्वार जाऊंगा तो जरा देख तो लूं। तो उनकी इच्छा से त्रिनामकृत आ गया महाराज और जब उनको लेकर के ऊपर उनको जब सारा का सारा दर्शन करा दिया मस्त हवा में उड़ उड़ के तो महाराज तब उनको उन्होंने उसके बाद उसका उद्धार किया। एक समय मन में इच्छा हुई विचरण की जैसे श्री माधव को हुई ब्रज देखन की। कहा खाऊ माखन और कहा फोरू मट किन को तो बनी लीला दुष्ट तृणाव्रत के उद्धरण की। चील ले घुमायो और ताल के निकट में ही पोढ़ायो सुख पायो बलिहार लीला धर की। महाराज जी जब घुमा घूम के चील ने वापस से ताल के पास इनको चुपचाप लिटा दिया तब जाकर के महाराज इनको परम सुख की अनुभूति हुई। ये भी इनकी जो है ये चरित्र जो है इनका यह भी प्रसिद्ध है। महाराज ये ऐसे थे इनके हृदय में परम महाराज दया की अपार भावना। महाराज वैष्णवों के जो 26 लक्षण हैं उसमें से जो पहला लक्षण दया है इनमें प्रतिष्ठित है। वह वैसे तो 26 गुण ही प्रतिष्ठित है परंतु पहला इनके बालपन से इनमें प्रतिष्ठित है। दर्शन होता है उस गुण का। महाराज एक बार क्या हुआ एक बार जो ये श्रीपाद श्री केशव गोस्वामी पाद जी जो हैं ये बचपन में जब इनको आमदनी दी वो पॉकेट मनी दी जाती थी तो ये उसको खर्च नहीं करते थे। ये उसको बचा करके रखते थे। किस लिए? क्योंकि इन्होंने अपने साथ कुछ बच्चों का दल बनाया हुआ था ताकि कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो कोई भी अभावग्रस्त हो तो उसकी मदद करने के लिए वो पैसे वे वहां यूज करते थे। महाराज हृदय में दया के लक्षण भारी देख हर्षित भई तब महतारी। भैया एक बार क्या हुआ एक बार ये लेट हो गए आते आते घर पे
इनकी माता का आदेश था कि रात को लेट से नहीं आना घर पे, तो ये बहुत लेट हो गए और माता छड़ी लेकर के इनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि आज मैं उसकी खबर लूंगी। तो महाराज एक बूढ़ी व्यक्ति, एक बूढ़ी महिला को, महाराज जी एक बूढ़ी महिला को कोरोला हो गया, कोरोला हो गया महाराज जी, उसको इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उनको ये अपने दल के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करा करके और महाराज जी उनका पूरा इलाज करा करके जब रात को लेट आए तब माँ ने छड़ी के साथ इनकी महाराज पूछताछ करी, तो पूछा तुम लेट क्यों आए हो, तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा मैया ऐसे ऐसे बूढ़ी माता जी जो है पीड़ित थी और महाराज जी इस कारण से मैं उनका सारा ट्रीटमेंट करा करके फिर घर पे आया हूँ। जैसे ये सुना तो महाराज जी इनकी माँ का हृदय गदगद हो गया और तब से इनको कभी रोका टोका नहीं उन्होंने। क्यों? दया, वैष्णवों में यदि दया नहीं होगी तो महाराज वो वैष्णव नहीं है। श्रीपाद तुलसीदास जी कहते हैं ना, दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया की दिव्य महाराज रीति और भीतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाराज जी इनकी जो माता है वो अत्यंत प्रसन्न हुई, हृदय में दया के लक्षण भारी, देख हर्षित भई तब महतारी, गुण अगाध पर शत शत वारी आपकी, जय हो जय हो जय हो, केशव गोस्वामी पाद आपकी, जय हो जय हो जय हो। एक बार क्या हुआ महाराज, मठ में श्री प्रभुपाद जी विराजित थे और ये भी विराजित थे, तो क्या हुआ एक साधक था, एक ब्रह्मचारी, वो इतना उत्पात कर रहा था मठ में, किसी को ऊट पटांग कह देना, गाली गलौज कर देना, सब मठवासी उससे परेशान थे। शिकायत प्रभुपाद जी के पास पहुंची। जब प्रभुपाद जी के पास शिकायत पहुंची तो प्रभुपाद जी ने बुलाया केशव गोस्वामी पाद प्रभु को, कहा इनसे कहा आप आओ और आप इस ब्रह्मचारी को यहां मठ से भगा दो, इसका बोरिया बिस्तर बांधो और इसको यहां से मठ से बाहर निकालो। तो महाराज जी जब ये आए तो इन्होंने ऐसा किया नहीं, क्यों? क्योंकि हृदय में दिव्य महाराज, इनके हृदय में दया और धर्म इत्यादि परम प्रतिष्ठित थे। एक साधक को अपराध अगाध जानी, प्रभु पाद कहो तुम भेजो याही मठ सो, पर कृपा करी तापे दियो शरण अनाथ जान, प्रार्थना सो कियो गुरु देव के शरण को। महाराज जी जब ऐसा कहा तो आदेश हो गया प्रभुपाद जी का कि इसको भेजो यहाँ मठ से। तो महाराज शाम को जब आरती के बाद सभी प्रभुपाद जी के की चरण वंदना करने के लिए, चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंचते तो आज देखा कि केशव गोस्वामी पाद नहीं पहुंचे, तो इन्होंने कहा कि क्या बात आज आए नहीं है वे। तब वो उस व्यक्ति ही उस अपराधी के साथ श्री प्रभुपाद जी की शरण में पहुंचे कि प्रभुपाद आप तो जानते ही हैं ये बेचारा अनाथ है, माना ये अगाध अपराध करता है, लेकिन आप बताइए यदि आप इसको यहाँ मठ से भेज देंगे तो माया के डंडे फिर संसार में खाएगा। प्रभु कहते हैं ना चैतन्य चिंतामृतम में, ब्रह्मांड भ्रमीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। अरे कौन, आप जैसे गुरु उसको प्राप्त हुए हैं फिर भी वो संसार में माया के डंडे खाए, तो फिर प्रभु इससे तो हमारी और आप, इससे तो मठ की हानि होगी, इससे तो आपके चरित्र में महाराज ऐसा दिव्य महाराज ऐसा अभाव प्रस्तुत हो जाएगा, परंतु आपसे मेरी प्रार्थना है चरणों में कि इसको मत निकालिए प्रभु, इसको मत निकालिए। फिर उस व्यक्ति को समझाया कि कहां जाओगे तुम, ऐसे अपराध मत करो महाराज। जब उसको उनको एक इन्होंने ऐसा समझाया तब वह शरणापन्न हो गया प्रभुपाद के। महाराज जी उसको दिव्य सेवा का महाराज सौहार्द प्रदान किया इन्होंने, कैसे भगवान की दिव्य आरती कथा कीर्तन इत्यादि में कैसे प्रस्तुत होना है, इस कारण से दिव्य कृपा करी उस पे। तेत सेवा को सौभाग्य अपार, होए कैसे सब भव से पार,
चेष्टा में हो तो भक्ति को प्रचार आपकी, जय हो जय हो जय हो, केशव गोस्वामी पाद आपकी, जय हो जय हो जय हो। हर एक चेष्टा में उनकी केवल और केवल भक्ति का प्रचार। महाराज जी एक सब्जी, क्योंकि मठ में सब्जियां मठ में ही उगती थी उस समय, मतलब मठ के अलग से बाग था जहां सब्जी उगती थी। एक व्यक्ति नित्य सब्जी चोरी करके चला जाता था, और जब चोरी करके चला जाता था तो ऐसा रोज रोज होने लग गया। तो शिकायत गई इनके पास, जब इनके पास शिकायत गई तो इन्होंने उसको बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि क्या बात हो गई, तो जब सारी बात बताई कि जब ब्रह्मचारी उसकी महाराज सुताई करने लगे, तब ये कहा नहीं नहीं इनको प्रताड़ित मत करो, प्रताड़ित मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और खूब सारी सब्जियों को लेकर के इन्होंने उसके हाथ में दिया, कोई बात नहीं, ऐसे तो तुमने चोरी नहीं की होगी, तुम्हें आवश्यकता होगी इसकी सब्जी की, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये और सब्जियां भी ले जाओ। महाराज इसका हृदय गदगद, इसका हृदय महाराज द्रवित हो गया उनकी ऐसी दिव्य भावना देख करके। चोरी करी साग की मिलो दंड ब्रह्मचारी ने सो, कयो है विनोद मत याही को प्रताड़िए। विनोद ब्रह्मचारी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको प्रताड़ित मत करो, देने लगे साग और ले जा जो चाहत सो, लज्जित कयो है प्रभु मो को उबारी। जब लज्जित हो गया तो चरणों में पड़ गया महाराज केशव गोस्वामी पाद प्रभु के कि मुझे क्षमा कर दो क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं होगी, ऐसी गलती मैं फिर नहीं करूंगा। महाराज जी फिर क्या, फिर उसको क्या, उस पर कैसी कृपा की है, कीन कीन है कृपा तब कृष्ण नाम सेवा दीनी है, जीवन को फल जो राधा कृष्ण नाम को। दिव्य कृपा करी है, कृष्ण नाम दिया है, जीवन का फल श्री राधा कृष्ण का ही नाम है, उस पर कृतार्थ किया है, उसको कृतार्थ किया है इन्हीं दिव्य शब्दों के साथ। वांछा कर सकती है उसके कृपा से दिव्य कृपा, बलराम प्रभु अभी था गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पिताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी। सर्वप्रथम मैं आपके पूज्य पाद पर ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के श्री अभय चरणारविंद अनंत कोटि जन्म प्रणाम ज्ञापित करता चतुर्थान निश्चित लाभ ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत आप सभी जानते ही हैं कि आज हम यहाँ एक महामहोत्सव मना रहे हैं, और गुरु जी ने बहुत सारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की लीलाओं के विषय में आपको बताया, और पहले पहले भी हम हर साल सुनते आए, जैसा कि उनकी प्रणाम मंत्र से ही पता चलता है, नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूप में श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की नाम, अर्थात उनको जो संज्ञा दी गई है, उनको जो उपाधि दी गई है, उनको कहा गया है लोड़ी जगत में कि उनके अंदर जो हिम्मत थी वो एक सिंह की भांति थी। जैसे गुरुदेव बता रहे थे ना कि पूज्य पाद जी कभी भी किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे भक्ति के साथ, इसी तरह से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ऐसा नहीं कि इनके अंदर दीनता दयालुता नहीं थी, बहुत थी। जैसा भी चिराग प्रभु जी बता के गए हैं कि सबसे पहला जो गुण था वैष्णवता का दया, वो इनके अंदर फूट फूट के भरा था। और जब ये गौड़ीय मठ में कोई बच्चा आता था तो उसको सिखाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। एक समय की बात है, मात्र 9 वर्ष की आयु में
भक्ति निदान वामन गोस्वामी महाराज जी मठ में चले आए। अब उनकी माता ने उनको छोड़ा तो था पूज्य बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को दी। अब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने पहले उन्हें एक कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट था उसमें दाखिला करा दिया, और फिर उस स्कूल में उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ा, लेकिन उसको उनको सारी की सारी श्लोक वगैरह याद कराने के लिए भी उन्होंने उन्हें एक लालच किया, कहा कि अगर एक श्लोक मुझे याद करके सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक ट्रॉफी दूंगा। और उस ट्रॉफी के लालच में भक्ति विदान वामन गोस्वामी महाराज 10-10, 20-20 श्लोक रोज याद करने लगे और 20-20 ट्रॉफियां इनको मिलने लगी। इस तरह लालच ने देखे उन्होंने पूरा का पूरा 2 घंटा याद कर लिया, सारी की सारी भागवतम याद कर ली। इस तरीके से उन्होंने उन्हें सारी याद कराई और उनके संग में रह रहकर उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि जब प्रभुपाद जी इस तरह धाम को छोड़ के चले गए तो उस समय गोड़िय मठ के विरुद्ध कुछ लोग और प्रकट हो गए, उन्होंने गोड़िय मठ पे कुछ केस वगैरह दायर कर दिया। तो उस समय क्या हुआ, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और 40-45 वैष्णव के साथ सबको जेल में जाना पड़ गया। तो उस समय सारा का सारा जिम्मेदारी भक्ति विदान वामन गोस्वामी महाराज जी ने ली, कोर्ट में जाना और सारे वकीलों से सलाह मशवरा करना। और सबसे पहला मैं तो यही कहूंगा कि आप जब जब भी किसी की दीक्षा होती है तो उपनयन संस्कार सबसे पहले होता है, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने वामन गोस्वामी महाराज जी का उपनयन संस्कार बाद में किया, दीक्षा पहले दे दी, क्योंकि वो वहाँ जेल में थे और जेल में ही उन्होंने उन्हें दीक्षा दे दी। उनके साथ रहते रहते इनके अंदर भी इतनी शक्ति आ गई कि एक जगह ये प्रवचन कर रहे थे स्टेज पे खड़े होकर, और वहाँ पर क्या हो रहा था, लोग राधा कृष्ण का नाम तो लेते थे लेकिन साथ में मांस मच्छी भी खाते थे। तो इन्होंने खड़े होके बोला कि जो राधा कृष्ण का नाम लेता है और प्रसाद में मांस मच्छी भी खाता है उसका मुंह नहीं है बल्कि पैखाना है। और इतना सुनते ही जो वहां के लोग थे उनके अंदर क्रोध आ गया। तो जब वो डंडे और लाठी लेके आए तो ये बोल पड़े कि ऐसा नहीं है कि डंडे हम नहीं उठा सकते, हम भी डंडा उठा सकते हैं, लेकिन आप हमसे बात करो, बात करने से समस्या का हल निकलेगा, डंडे उठाने से नहीं। फिर जब उन्होंने अपने भागवतम के उपनिषद के 32-33 श्लोक उनके सामने बोला तब वो अपना शांत हुए, और तब से वहाँ पे भी गोड़िय मठ की बात और गोड़िय मठ की सारी जानकारी उनको दी, तब उन्होंने सारी भक्ति को अपनाया। ऐसे ही कहते हैं कि जितनी भी दीनता जितनी भी सेवा भाव हमारे गोड़िय मठ में दिखाई जाती है, हम देखते भी हैं महसूस भी करते हैं कि जितनी सेवा भाव गोड़िय मठ के संतों में हमें देखने को मिलती है शायद हमें और कहीं नहीं मिलती। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ पर अभी गुरुदेव ने बताया ना कि राधा रानी के अनुगत्य में रह के हमें भक्ति करना सिखाया जाता है, और राधा रानी इनकी प्रतिमूर्ति है केवल प्रेम की, और जहाँ प्रेम बसता होगा तो वहां से तो प्रेम की ही धारा बहेगी और कोई धारा नहीं बह सकती। इसीलिए एक बार की बात है कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जगह है, वहां पर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी आए, और उस समय वहां पर वामन गोस्वामी जी केवल विराजमान थे। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने आके कहा कि देखो अभी अभी यहाँ पे 30-40 वैष्णव लोग आ रहे हैं, उनके लिए ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ, फिर मुझे उनकी प्रसाद सेवा करानी है। उस समय वामन गोस्वामी महाराज जी को 103 डिग्री सेल्सियस बुखार था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बुखार है मैं रसोई नहीं बना सकता। इतनी बात सुनते ही भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की एकदम उठ खड़े हुए और रसोई में जाकर पूरा का पूरा प्रसाद तैयार किया और ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर उन सब की सेवा की।
इसी तरह से ये सेवा, असल में हम ये जो कथा सुनते हैं गुरुजी हमें सुनाते, इसका कारण क्या है? इसका कारण कृपा प्राप्त करना तो है ही, साथ में अपने अंदर जो हमारे अंदर काम को धरा हुआ है, इन कथाओं को सुन सुनकर हम उसे भी बाहर निकालें, तभी ये गिरोभाव और आविर्भाव मनाने में सार्थकता है। हरे कृष्ण। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय अभियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामे। सर्वप्रथम मैं अपने हृदय नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में कोटि कोटि जन ज्ञापन करता हूँ। गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि जन ज्ञापन करते हुए आज के आचार्य केसरी पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी गण एवं समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज महान उत्सव है और हमारे रौड़ी संप्रदाय में लगभग 362 दिन में 302 उत्सव होते ही होते, इसीलिए हम सब एकत्रित हुए हैं। ऐसे महान संत की आस्थिति है, क्योंकि भगवान की तिथि हम मनाते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब शिष्य अपने गुरु परंपरा में आचार्यों की तिथि मनाता है, चाहे आविर्भाव हो चाहे गिरोभाव हो, उस उत्सव को गुरुवर्ग तो प्रसन्न होते ही हैं और भगवान अपनी तिथि से भी ज्यादा अपने भक्तों की तिथि मनाने पर बड़े हर्ष। तो एक बार फिर साथ सब बोलेंगे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव की जय। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बांग्लादेश में स्थित वानरीपाड़ा ग्राम में श्री शरद बूटा कुर्ता और भुवनी माता की यहां पर आविर्भूत हुए सन 1898 में, और ये इतने ज्यादा सुंदर थे, इतने ज्यादा प्रकाश था इनके, तेज था इनके शरीर में छोटे से बड़े, इनकी माता को हमेशा चिंता रहती थी इतना ज्यादा तेज कोई साधारण बालक नहीं, इनके पिता को भी चिंता हुई कि इस बालक का इतना सुंदर और सौंदर्यमान दृश्य देख करके कहीं नजर न लग जाए, इसलिए बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े ब्राह्मणों को वहां पर बुलाया और उनका भविष्य जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने कैलकुलेशन किया और बताया एक साधारण बालक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है और ये पूरे विश्व को भक्ति में लगाएगा। ये सुनकर के बड़े हर्षित हुए, क्योंकि जो उनके पिताश्री थे वो भी कोई साधारण नहीं, वो भी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य थे जो अद्वैत परंपरा में ही आते थे और पहले ये योग आदि किया करते थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु की धारा में चैतन्य महाप्रभु के सुंदर कथाओं को सुनकर के विजय गोस्वामी भी वैष्णव हो गए। इस वजह से इनके जो शिष्य हुए श्री शरद बूटा कुर्ता ये भी परम वैष्णव हुए और ये नित्य प्रति अपने घर में सभाएं करते थे, बड़े बड़े संतों को बुला करके विजय कृष्ण गोस्वामी इत्यादि और अन्य जो चैतन्य चरितामृत पर अच्छी अच्छी कथा या गीता या श्रीमद् भागवतम में सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराते थे, और ये एक न्यायालय में कुछ कर्मचारी के पद पर स्थित थे, तो इनके घर पर न्यायाधीश वकील इत्यादि पूरा न्याय का जो बड़े कुछ उच्च पद का अधिकारी थे वो कथा श्रवण करने आ गए। अब यहाँ पर इस बालक का नामकरण हुआ, नामकरण में इस बालक का नाम रखा गया शैलेंद्र, बालपन में इसको शैलेंद्र कहा गया, लेकिन इनके शरीर से जो तेज प्रकट होता था सबने लाड़ में इनको बोला जोना, जोना मतलब ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब प्रकाश, तो प्यार से सब इसको जोना बोलते। समय और बीता,
क्योंकि पिता कृष्ण भगवान के भक्त थे। विनोद बिहारी नाम रखा गया इनका कि ये तो मेरा विनोद बिहारी है, बड़े लाड़ लड़ाते विनोद बिहारी का। समय और बीता तो प्रभु जी ने भी सुंदर कथा श्रवण कराई थी, फिर भी दोहरा देता हूँ क्योंकि संतों की कथा जितना हम बार बार श्रवण करेंगे हमारा हृदय भक्ति में अच्छी तरीके से प्रतिष्ठित हो जाता है। एक बार मैया अपने पिता के यहाँ गई, वहां पर ये बालक अभी गोद में ही था और इसको सुंदर तरीके से तेल से मार्जन किया और धूप में लिटा दिया। वहां पर एक बाज आया, बाज ने इनको अपने पंजों में भर करके लेकर उड़ चला और चारों तरफ शोर मच गया, हाय हाय ये बालक को ले जाएगा और मार डालेगा। सब दौड़ पड़े, मैया ने जब देखा तो एकदम देखकर मूर्छित हो गई, रोगी और मूर्छित हो। थोड़ी दूरी पर ही एक सरोवर में जाकर के उस बाज ने वहां पर जो ढोल होते हैं इसके सुपारी के उनकी नाव बना करके वहां पर ये सरोवर में छोड़ दिया जाता है जिससे कि मछलियों को पकड़ सके। वहां पर उस बाज ने उस शोर को सुनकर के उस बालक को वहां पर लिटा दिया, विराजमान करा दिया। तो इस तरीके से सब जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे वो जाकर के गए और देखा कि बाज उत्तर की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि वो साक्षात गरुड़ देवी थे जो भगवान श्री कृष्णचंद्र के भक्त को जो है अपनी एक सुंदर सवारी कराना चाहते थे और बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद प्रदान करना चाहते थे और वहां पर जो विराजमान करके चले गए। तो सबने कहा ये तो साधारण बालक नहीं, जो बाज जो इतना खतरनाक पक्षी होता एक अगर चोंच मार देता तो ये बालक जो है प्राण इसके पखेरु उड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं। वहां से बड़ी प्रेम से उनको लेकर के मैया को दिया है, मैया ने अंत में भर के उनको लाड़ा लड़ाया और जान में जान। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला बच्चा, क्योंकि पिता ने शुरू से गीता के श्लोक, भागवतम के श्लोक और कथाओं को श्रवण करा करा के इनको पूर्ण तरीके से भक्ति से सराबोर कर रखा। समय बीता, 8 वर्ष के हुए, पिताजी वैकुंठ को चले गए यहाँ से राधाम को छोड़ करके। बड़ा महादुख आया, मैया बहुत अच्छे घराने से संभ्रांत परिवार से थी, शिक्षक थी और ये जो परिवार था इनका विनोद बिहारी जी का ये भी जमींदार परिवार था, बहुत बड़ी इनकी जमीन थी। उसमें मैया ने अपने को संभाला, बच्चों को संभाला और विनोद बिहारी जी को तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण अपना सहायक बना करके सभी प्रजा और सारी खेती बाड़ी को देखना, भालना, हिसाब रखना सब सिखाना प्रारंभ किया। विनोद बिहारी और मैया दोनों बिना पिता के ये आगे अपना घर को सुंदर तरीके से चलाने लगे। समय बीता, प्रभु जी ने वो लीला भी आपको श्रवण कराई थी। इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़े ही गरीब लोग हैं और एकदम हैजा आ गया है, गाँव के गाँव खाली हो जाते थे पहले, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। उसमें इन्होंने एक मंडली बनाई अपने मित्रों की, छोटी अवस्था में थे। उस मंडली में इन्होंने ये कहा, देखो हमें घर से जो कुछ भी मिलता है वो भी, और हम गांव-गांव जाकर के अन्न एकत्रित करेंगे, दवाइयां एकत्रित करेंगे धन से, और क्या होगा हम सबकी सेवा करेंगे। तो वो कथा हम सुन चुके हैं। उसमें उन्होंने सुंदर तरीके से वृद्धा माता का बहुत सुंदर इलाज करा और मैया ने जब ये श्रवण किया तो अंक में भर करके कहा कि मेरे बालक मैं तो तुझे गलत सोच रही थी, तुम आवारा बालकों में इधर उधर भ्रमण कर रहा है, लेकिन इतनी सी छोटी सी उम्र में तेरा इतना बड़ा उद्देश्य ये जानकर मैं गदगद हो गई, आज के बाद मैं तुझ पर कभी शासन नहीं करूँगी। तो ऐसी मैया जान गई ये कोई साधारण बालक है, निश्चित तौर से ये मेरे और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। समय बीता, बड़े हुए तो कॉलेज में गए, कॉलेज में जाकर के उस समय देखो आज की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में कितना अंतर है। चेतन चरिता अमृत पढ़ाया जाता था, चैतन्य महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीला कथाओं को वहाँ श्रवण करा और वहाँ जाकर के इनको समझ में आया कि ये भारत भूमि में जन्म लेना कोई मजाक बात नहीं, हम सब भारत में जन्म लिया तो ये कोई हमारा अकस्मात नहीं हुआ, कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों में हमने ऐसी पुण्यक्रम किए जो इस भारत जन्म में हमारा जन्म, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। भारत भूमि ते भैल जन्म जात, जन्म सार्थक करे कर परत उपकार। मतलब इस भारत भूमि में जन्म लेने पर कोई साधारण बात तो है नहीं, बड़ी मुश्किल, देवी देवता भी लड़ाई करते हैं इस भारत भूमि पर जन्म हो जाए, और हम इस जन्म को कैसे सार्थक करेंगे, भजन से सार्थक करें और दूसरों को भी भजन में लगा करके उनका भी जीवन हम सार्थक कर सकते हैं। ये बयार उन्होंने अपने मस्तिष्क में बैठा ली कि हाँ
ये जीवन की असली उपलब्धि है। थोड़ा सा जब इनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में और जिज्ञासा हुई तो इनकी बुआएं लगती थी श्रीमती सरोजनी देवी और सरोजनी और एक और बुआ थी, नाम दिमाग से रुक गया, प्रिया देवी जी। तो वो प्रभुपाद जी की पहली और द्वितीय शिष्य उनके पास ये जाती थी। उन्होंने बताया देखो तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, तुम श्रद्धालु हो, तुम प्रभुपाद जी के पास चलो, हम तुम्हें वहां पर जाकर के सुंदर सत्संग सुनाएंगे। उनके साथ ही गए, प्रभुपाद जी का प्रथम दर्शन और देख करके पूरा हृदय नहीं पूरा प्राण शरीर सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो श्री प्रभु गुरुदेव की और वहां सुंदर तरीके से जब उनका इतना वीरवती वाणी से सत्संग सुना तो इनके हृदय में ये जिज्ञासा हुई सब कुछ छोड़ करके तुरंत में इनके चरणों में आए। तब प्रभुपाद जी ने इनको वहां पर नवदीप में गौर पूर्णिमा पे जो हमारी परिक्रमा होती है वहां पर इनको प्रथम बार हरि नाम दीक्षा प्रदान की और सुंदर सेवा प्रदान की। उसके उपरांत फिर ये वापस पुनः पढ़ने के लिए आ गए। कॉलेज में इनका मन नहीं लगता और हमेशा जो प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई थी या बीच बीच में जाकर के वो दर्शन करते कुछ कथा सुनकर आते उसका मनन करते। हमारी तरह नहीं सुना और इस कान से सुना है दर्शन काल के ऐसा नहीं करते, मनन करते। और जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाने के लिए अध्यापक आते थे ज्यादातर सब मायावादी, मायावादी जो है अर्थ का अनर्थ कर देते, जिसका सुंदर अर्थ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए पूरी पूरी चैतन्य चरितामृत है उसको भी वो क्या कहते कि ब्रह्म भी ईश्वर है, हम लोग भी ईश्वर है, आत्मा भी ईश्वर है और ये शरीर जब हट जाएगा तो हम लोग भी ब्रह्म हो जाएंगे अर्थात हम लोग भी भगवान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी शिक्षा जब इन्होंने सुनी तो इन्होंने प्रतिवाद किया। इन्होंने अनेक अनेक गीता में से ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना इत्यादि ऐसे ऐसे श्लोक बोल बोल करके कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। ऐसे ही जो है कई सारे इन्होंने चैतन्य चरितामृत के भी सुंदर प्यारों से उनकी बातों को काटा और खंडन करते हुए कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों से अलग कर दिया जाए और हमको ही भगवान यदि बनना है तो इन शास्त्रों को कोई लाभ नहीं सुनने का, और ये जितनी भी निरीश्वरवादी जो शिक्षाएं हैं इनको पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। बीए कर रहे थे, बीए को वहीं छोड़ करके अभी उनका इस बार फाइनल हो जाता लेकिन उसको भी त्याग देते हुए कि ऐसी शिक्षा किसी कार्य की नहीं जिसमें भगवान को अलग रख दिया जाए और अपने आप को बड़ा बनाकर या संसार को बड़ा बना करके मायावाद शिक्षा ग्रहण करके मैं नरक गामी नहीं बनना चाहता। मैं तब छड़ा कॉलेज को छोड़ा और पुनः प्रभुपाद जी के चरणों में आ गया। श्री प्रभु गुरुदेव की ये त्याग। अब एक बार यहाँ पर सेवा करते और बड़े कुछ जमींदार खानदान से थे तो सब जानते थे लेकिन हर तरीके से ये इनका हृदय बाहर से तो ऐसे लगते थे जैसे बहुत धनवान है, बहुत हर प्रकार से इनको अभी मद और मोह की आवश्यकता है, माया की आवश्यकता, लेकिन ऐसा नहीं। बाहर से वेश कैसा भी है अंदर से पूर्ण तरीके से ये वैरागी थे और राधा कृष्ण की लीलाओं में हमेशा इनका मन हमेशा सर। एक बार प्रभुपाद जी के साथ वहां पर प्रभुपाद जी ने जब समस्त वहां पर सहजिया मायावादी इत्यादि जितने भी लोग थे उन सबका खंडन किया तो यहाँ पर सब लोग जो हैं प्रभुपाद जी के विरोधी हो गए कि ये तो भैया हमारी दुकानें बंद करा देंगे, अभी तो अच्छी बदनामी आती थी अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इस तरीके से कैसे काम चलेगा। उन्होंने बड़े बड़े गुंडों को बुला करके कहा आज इनकी जो है यात्रा यहाँ से पूर्ण माया तला पे जाएगी और तुम लोग इस यात्रा को ध्वंस करो और प्रभुपाद जी पर एक आक्रमण करके इनको नष्ट करो। यहाँ तक इनको पैसा दिया, लाठी डंडे अंडे बोतल इत्यादि चाकू छुरे सब कुछ लेकर वहां पर पहले से ही भीड़ इकट्ठी थी और वहां से वैष्णवों की जो है मंडली आ रही है हरे हरे राम हरे
एकदम से आक्रमण हो गया, बहुत भारी आक्रमण, लाठी डंडे छुरे बोतले अंडे टमाटर गंदे संदे, जिसके जो हाथ में आता था मारता था, वैष्णव के हाथ में माला और तिलक धारी सब डर गए, भयभीत हो गए, इधर तितर बितर हुए। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परम पूज्य ने देखा कि ये लोग जो है लोगों को तितर बितर करके प्रभुपाद जी पर आक्रमण करना चाहते हैं। तुरंत प्रभुपाद जी को लेकर के एक सज्जन व्यक्ति के घर में गए, वहां जाकर के उनसे निवेदन किया कि प्रभुपाद जी को अंदर सुरक्षित रखा ले जाए, और वहां पर जाकर के अभी इनके जो वस्त्र थे, अभी वस्त्र जो है सफेद थे, इन्होंने कहा हे प्रभुपाद जी कृपा करके आप अपने वस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए और मेरे वस्त्रों को आप धारण कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, नहीं गुरुदेव आपको ये करना होगा। देखो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि कोई शिष्य अपने गुरुदेव को ये बात कह सकता है कि आप तो मेरे कपड़े ले लो और मुझे आप संन्यास दे दो, जब गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि अब तुम्हें संन्यास लेना चाहिए तब शिष्य को लेना चाहिए। यहाँ पर खुद जो है परम गुरुदेव ने कहा गुरुदेव आप मुझे संन्यास दे दो, यहाँ संन्यास लीला हो गई। पहले से पहले उन्होंने सुंदर तरीके से वहां पर उनके वस्त्र धारण किए और संन्यास भी साधारण नहीं, श्री गुरुदेव के वस्त्रों से संन्यास हुआ। बोलो श्री परम गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय। और उनको बहुत सुंदर तरीके से पीछे से उनको निकालकर मठ पर पहुंचाया गया और ये निर्भीक वहां से चले, अपने प्राणों की आहुति की भी चिंता नहीं की कि मेरे प्राण जा सकते हैं उस वेश में, क्योंकि परम गुरुदेव भी जो है हमारे ऐनक लगाते थे और प्रभुपाद जी भी अनेक लगाते थे, सुंदर वो भी थे, सुंदर ये भी थे, उतने लंबे ये थे, उतने लंबे ये थे, लगता नहीं था दूर से कोई देखे तो भ्रमित हो जाए हाय प्रभुपाद ही आ रहे, लेकिन निर्भीक होकर के वहां से निकले हैं और बड़े ही सिंह की तरह वहां से पहुंचे। समस्त मायावादियों का खंडन करते रहते थे इनका। यहाँ पर आज महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी जब यहाँ पर निर्भीक तरीके से वैष्णवता का प्रचार कर रहे थे, समस्त जगह जो है वैष्णव का प्रचार कर रहे थे, तो कुछ शंकर के अनुयायी सभी जो हैं अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भ्रमित जो लोगों को भी भ्रमित करते हैं, उन पाखंडियों ने रामानुजाचार्य जी से जैसे अभी प्रभुपाद जी से द्वेष किया, ऐसे ही रामानुजाचार्य से द्वेष किया कि ये जो रामानुजाचार्य है ये हमारी दुकानें बंद करा देंगे, इनको हम यहाँ पर शास्त्रार्थ के बहाने बुला करके इनका जो है नष्ट कर देंगे। इस तरीके से इनको निमंत्रण दिया। उनके शिष्य थे श्री गुरेश जी। गुरेश जी को ये बात समझ में आ गई, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मेरे गुरुदेव को मारना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप कृपा करके आप ना जाइए, मैं जाऊंगा, आप कृपा करके मुझे अपने वस्त्र प्रदान कीजिए और मैं आ जाता हूँ। उन्होंने भी ऐसे किया था, उन्होंने रामानुजाचार्य जी के वस्त्र धारण करके उधर शास्त्रार्थ करने के लिए गए, शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया, हर प्रकार से बड़े बड़े प्रमाण दिया, आखिर तक में यह समझाया कि शंकर जो हैं भगवान विष्णु भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं जनार्दन। तो भी उनकी समझ में नहीं आया, अंत में उन्होंने जो है ईर्ष्यावश कुरेश की आंखें निकाल ली, कुरेश को जो है मारा पीटा, उसकी आंखें निकाल ली और कुरेश वहां से निकले हैं अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, हरिनाम करते हुए निकले हैं धीरे धीरे धीरे। उस समय कोई टेलीफोन चिट्ठियां वगैरह नहीं होती थी, तो वहां पर अपने गुरुदेव के पास कभी पहुंचे हैं, उन्होंने चिंता नहीं की मेरी आंखें चली गई, लेकिन हमेशा हरिनाम करते रहे। जब उनके गुरुदेव के पास वो मिले तो गुरुदेव ने उनको कहा अरे कुरेश तुम इतने समय तक कहां थे और ये क्या हालत है? गुरुदेव कुछ नहीं, ये तो सब आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, मेरे प्राण नहीं गए, आपने कृपा की है। तब उन्होंने बोला मेरे बच्चे मेरे पास आओ,
हाथ फेरा सिर पर, आंखों पर हाथ लगाया तो आंखें पुणे आ गई। रामानुजाचार्य की जय, गणेश भक्त की जय। ठीक किसी प्रकार से हमारे परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी के साथ किया। ये सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, इसीलिए अभी और भी हैं वक्ता और महाराज श्री भी उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद। वंश हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, हमारे जनार्दन प्रभु जी कुछ बोलेंगे। उन्होंने कल रात 12 बजे तक ठाकुर का श्रृंगार किया। रात 12 बजे ठाकुर का जो कपड़ा बन रहा है उन्होंने सिलाई सिलाई करके 12 बजे तक, और ये जो सब लगाए ना उसको बाद में फिर बच्चों को लेकर सब नई नई लाइट लगाए। फिर सवेरे 5 बजे हैं फिर चले गए दिल्ली, चले गए रात दिल्ली चले गए। फिर वहाँ से सारे फूल फूल वहाँ से ले करके फिर सवेरे से आए। फिर आकर 2 बजे गए थे रात को, 2 घंटे विश्राम करा बस, 2 बजे गए। फिर वहाँ से फिर फूल फूल को लाए, फिर ये फूल फूल को सजाए, सजा करके आप लोग सभी को सर आशीर्वाद करना। जैसे जैसे वैष्णव के, जैसे वैष्णव के, वैष्णव के अनुगत्य में हाँ सब चीज़ को सहन करते हुए, क्योंकि भक्ति जगत में बड़ा कंटक है, इसलिए हर चीज़ को सहन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। सारे वैष्णव का शासन सब सहन करते हुए वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। जैसे इनके अंदर पे दीनता आए, हाँ दीनता वैष्णव का भूषण है, इसलिए जो दीनहीन भाव आए सबका सम्मान देते हुए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते सकल सहने बल दिया करो। साधु का कोई अपना पराया नहीं होता है, सब अपना होते हैं, इसलिए सबको अपना समझते हुए सबको जत्न करके आदर दे करके फिर भक्ति करनी चाहिए। बोलो नमः विष्णु पादाय आचार्य सुंदर रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रचार जय समित नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्शन मोदार्य माधुर्य गुणेश्वर युक्तम परम परम पुरुषम महंतम नारायणम तम शिरसनम सर्वाग्रे अस्मदीय गुरु पादपद्म मंचास्य विशेषम गुरु वेदांत सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय शरणारविंद नमस्य के चित्त कंठ प्रणाम ज्ञापन करते हुए जय शुक्र बड़ी प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक सभी सत्य गुरु माता गुरु भाई समस्त सभी भक्तों के लिए तरंग में या तो एक नंबर का वैष्णव ठाकुर की तिरो भक्त की महोत्सव में हमने लगभग सारी बातें हमने सुनी, परंतु जो वैष्णव है उनकी गुण अनंत है, क्योंकि हम सूर्य मंगलार्थी में जो विभावन से कीर्तन गाते हैं उसमें भगवान के अनंत गुण बताए, अनंत गुण गणन। हाँ, ऐसे ही विष्णु ने सकल शक्ति वैष्णव में संचारित, विष्णु भगवान की सारी शक्ति वैष्णव के अंदर आता है, इसलिए इनके अनंत गुण है। परंतु दो एक को अनुग्रह करके कृपा पूर्वक हम अगर वाणी को चिंता करने के लिए बोलेंगे तो इसी में हमारे कल्याण होंगे। जिस समय श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी विदेश में प्रचार कर रहे थे तो जो विदेशी भक्त थे, लगभग सभी विदेशी भक्त केवल और केवल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को ही जानते थे, केवल उन्हीं को जानते थे। उनका यही था कि हमारे गुरु जी ही एकमात्र इस जगत में शुद्ध भक्त हैं और इन्हीं के सिवाय और कोई भी ऐसा व्यक्ति साधु नहीं है जिसके शरण ग्रहण करने से हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि जीवस कोई भी जीव के स्वतः स्फूर्ति नहीं है भगवान की भजन करने, इसलिए केवल उनको साधु ही लगा सकते हैं। परंतु उस समय जो साधु संन्यासी थे वे सब अनर्थग्रस्त बाउंड्री के अंदर ही रह करके वो सबकी मतलब सबको साधुओं को इस प्रकार देखते थे। परंतु स्वामी महाराज जब विदेश गए और उसके बाद जो उन्होंने प्रचार किया, जो उन्होंने सहन करके उन विदेशियों की सेवा करके रात को 1-1 बजे वे उनके बर्तन साफ करते थे जब वे चले जाते थे और फिर सुबह उठकर के ग्रंथ प्रकाशन करना होता है, तो ये सब चीजों को देख करके पाश्चात्य देश के जितने भी भक्त थे उनके मन में यही बात था कि एकमात्र साधु के रूप जगत में भक्ति वेदांत का स्वामी माने थे, अपने गुरु जी को केवल साधु मानते थे। परंतु जब गुरु जी ने अपने शिष्यों की इस प्रकार की भावना देखा, उनके जो बड़े गुरु भाई थे वह है केशव गोस्वामी महाराज जिनके आदित्य थी, उनके गुरु जी है प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, इसमें ऊपर जो विराजमान थे। उन्होंने देखा कि अगर मेरे शिष्य केवल मेरे को ही पूजा किया, परंपरा को भी उन्होंने अगर सम्मान नहीं देना सीख पाए तो मैं फिर गुरु होने की कोई
योग्यता निरंतर नहीं है। उन्होंने इस बात को सोच करके उनको समझाया कि देखो, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि एक जैसे पिक्चर चलता है तो पर्दे के ऊपर केवल नायक और नायिका को दिखाया जाता है। तो नायक और नायिका मतलब आप बहुत बहुत कुछ उनके बीच में, हीरो फाइट करता है, सब कुछ करता है, बहुत लोगों को इम्प्रेस करता है। तो ये चीज केवल जो बच्चे हैं, बच्चे क्या सोचेंगे कि इसमें केवल नायक और नायिका ही है। परंतु तो इसमें और जो थोड़े परिपक्व बुद्धि वाले होंगे वे क्या सोचेंगे, अरे ये तो केवल ऊपर पर्दे पे क्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर पिक्चर बना, इसमें इन्होंने एक्टिंग किया है। पर जो परिपक्व वाले हैं जो थोड़े पके हुए वे जानते हैं कि इसके पीछे एक प्रोड्यूसर भी है जो प्रायोजित करता है पिक्चर को, एक डायरेक्टर है जो निर्देशित करता है पिक्चर को। तो इस प्रकार स्वामी महाराज ने उनको बोले, देखो तुम्हारे सामने तो मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु इसके पीछे अगर मायापुर धाम नहीं होता तो मैं तुम्हें कहाँ ले जाता। उस मायापुर धाम को उजागर करने वाले मेरे सबसे बड़े, उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु जी का नाम नहीं, अपने बड़े गुरु भाई का नाम लिया और इन्हीं के ही नाम लेकर के उन्होंने उनको अपने माँ बताया। उनका स्टेटमेंट था उस समय कि मेरे जो माँ है, मेरे जन्मदाता जो है, इन्होंने ही मेरे को तुम लोगों के पास भेजा। अगर तुम्हारे सामने मैं प्रकट हूँ तो प्रकट करने वाली माँ मेरे ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी है। इतनी बड़ी बात उन्होंने उस समय बोले। उन्होंने जो संन्यास लिया है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ये पहले तो गृहस्थ थे, इन्होंने बहुत कोशिश किया बिजनेस करने के लिए लेकिन किसमें स्टैंड नहीं हो पाए। अब विशेष करके इनका जो पत्नी थी वो भक्ति के बहुत विरोध थी, हैं, वो बहुत विरोध थी, भक्ति से विरोध करती थी। और हमारी वैष्णव संप्रदाय में चाह नहीं चलती है, लेकिन इनका जो बहुत उन्होंने ग्रंथ था भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का, उनको पत्नी ने किया कि वो सारे ग्रंथ को बेच दिया, सारे ग्रंथ को उन्होंने बेच दिया, ठाकुर का जितने गीता भागवत को उनको पत्नी ने बेच दिया हैं। इसलिए उन्होंने बेच करके ना उन्होंने चाय खरीदी कर लिया, सबके सब उन्होंने चाय खरीदी कर दिया। इतने में इन्होंने बताया, बताओ तुमको चाय चाहिए ना, तुम मुझे चाहिए, बोले मेरे को चाय चाहिए आप नहीं चाहिए। तब उन्होंने अपना घर को त्याग दिया, त्याग दे करके जब आए उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन हर जगह में उन्होंने फेल हो गए, क्योंकि उनको ठाकुर जी विश्व में भक्ति प्रचार करना चाह रहे थे, फेल हो जाए। जब फिर मथुरा में आए ना, फिर उन्होंने विश्राम घाट पर फिर दवा का दुकान, कौन सा आयुर्वेदिक हेमदस्ता में हैं, सब दवा को क्या बोलते उसको कूट करके उसको पुड़िया बनाकर बेचते थे। एक समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जिनका आज तिथि है, उन्होंने जा करके बोले तुमको इतनी अच्छी अंग्रेजी, उसी समय का अंग्रेजी, आप इनका लेक्चर सुनना, इतनी अच्छी अंग्रेजी प्रभुपाद ने कहा था विदेश में प्रचार करने के लिए, तो यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ हेमदस्ता में तुम दवा को कूट कूट कर पुड़िया बना कर बेच रहे हो। तब उन्होंने नारायण हमारे गोस्वामी महाराज का आदेश दिया, बोले जाओ जा करके उसका जितना बेड़ी की बिस्तरा को बांध करके उसको मंदिर में ले आओ, जोर करके उनको जोर करके लाए मंदिर में और उनको बोले तुम संन्यास लो। बोले नहीं मेरे को शर्म लगता है संन्यास लेने के लिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में और एक व्यक्ति को संन्यास देता है, दोनों एक साथ में लो। बोले हम ले सकता हूँ। फिर उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनको जोर जबरदस्ती संन्यास दिया और संन्यास दे करके फिर उन्होंने विदेश में गए और उन्होंने ऐसे टहलका मचाया दुनिया में। इस्कॉन का नाम आप लोग सुने होंगे, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण पृथ्वी कृष्ण भक्ति में झूम उठेंगे, कृष्ण भक्ति में सराबर हो जाएंगे, सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। अगर इसको पूर्ण रूप में कोई सक्सेसफुल किया ना, ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने किया, लेकिन इनको उत्साह देने वाले कौन, इनको संन्यास देने वाले कौन है, ये भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज। इसलिए उन्होंने इनके लिए एक श्लोक लिखे, बोले वैराग्य विद्या निज वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रजत नैरिमाम अनभीष्म धम कृपाम बुद्धि जह पर दुख दुखी केशव गोस्वामी स्तम प्रभु नमामि। मतलब मैं नहीं चाहने पर भी मेरे को जोर जबरदस्ती
जिन्होंने ये भक्ति युक्त वैराग्य को मेरे को जोर जबरदस्ती पान करा के मेरे को द्वारा पृथ्वी में भक्ति प्रचार कराया। इसका जो मूल है ये हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञा केशव, ये मतलब ये बच्चा यही बोलना चाह रहे हैं जो जिनका मूल है कौन है ये भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज बोल। पिछले दो दिन तीन दिन से हम श्रवण कर रहे थे बृहद भागवत हनुमान जी के भगवान, अभी कुछ ही समय पहले गुरु जी ने बताया कि किस प्रकार इन्होंने जमींदार घर से आकर के प्रभुपाल जी के क्रोध में सेवा कर उन्होंने कमान को संभाला। जैसे उस समय जैसे वो कहता ना कि कांटों को कांटों से निकालना ही होता है, कभी कभार का संतों की भाषा दूसरों को समझ में नहीं आता, वो उनकी इस बात को मजबूरी समझ रहे थे। तो इससे क्या होता है कि सारे संत समाज दुखी होता है, इसीलिए रामचंद्र प्रभु दंड का आरोप है, सारे ऋषियों को रक्षा करने के लिए विश्वामित्र उनको लेने के लिए गए, अनुज सहित दे तो मोहेरा को भी। तो लक्ष्मण और राम जी जैसे आए थे और जैसे उन्होंने दंडकारण्य के सारे ऋषियों को क्या किया, रक्षा किया और उन दुष्टों को संहार किया, ठीक इसी प्रकार के उनके सेवक हनुमान जी भी यही काम करते थे। जब चाहिए हनुमान जी प्रभु राम की प्रणय सेवा भी करते थे, जो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को अगर मान लो अभी एकदम से गर्मी लगी तो हनुमान जी पूंछ से उनको, अभी उस दिन कह रहे थे ना दास्य के रूप में, व्यंजन के रूप में, और हनुमान जी उनको छत्र के रूप में, मंत्री के रूप में, अनेक प्रकार में हनुमान जी जैसे उनको सेवा करते थे। एक सेवा उनका एक सेवा ऐसा भी था, जब जब भी भगवान को कभी कहीं युद्ध करना जाना पड़ता था उससे पहले हनुमान जी उस काम को समाधान भी करते थे सावधान वेद से, इसीलिए उन्होंने लंका गए। कोई यहाँ पे प्रश्न कर सकता है अगर बृहद भागवत अमृत इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है और उसमें अगर बहुत बड़े बड़े भक्तों का नाम और चरित्र आता है तो हनुमान किस प्रकार साधु है भाई, क्योंकि हनुमान जी ने तो उस लंका को जो केवल कुछ ही लोगों के चंगुल में था, कुछ ही लोगों ने हनुमान जी को परेशान किया था, परंतु वहां पे नारियां भी थे, माताएं भी थी, तो उनको भी क्यों जला दिए। कुछ गर्भवती महिला भी थी जिनके पेट में बच्चा भी था, जो दिन का सूरज तक भी नहीं देखना, उनको भी हनुमान जी ने क्यों जला दिया। तो इसी कारण से कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भगवान के भजन करने के लिए निकलता है, वेदव्यास पराशर जी कहते हैं कि उसको अगर पूरा पूरा इस ब्रह्मांड को तिलांजलि देकर के उसको भगवान की भक्ति मार्ग पर लाना है तो ले आओ और पूरे संसार को नष्ट कर दो, और अगर कोई एक व्यक्ति को अगर भगवान के कोई एक व्यक्ति भगवान के भक्ति में अगर बाधक बनता है पूरा संसार को उसको नाश कर दो। इसीलिए हनुमान जी ने ये काम किया था कि सारे जगह पे जाकर के प्रभु राम जी की उन्नत सेवा करते थे, जैसे विभीषण को उन्होंने भी मतलब अपना मित्र बनाया, परंतु वही लंका में ही उन्होंने सब ध्वंस किया। ठीक इसी प्रकार से केशव गोस्वामी महाराज जी भी इन्होंने क्या किया था, प्रभुपाद जी की सेवा करते हुए इन्होंने बहुत ऐसे मुसलमानों को खदेड़ा भी था और वहां पे उन्होंने प्रतिकूल रूप में सेवा भी किया था प्रभुपाद जी का, परंतु उसी के साथ ही साथ जब ये मठ में रहते थे तो जो लोग भी आते थे, एक बार एक चिलचिलाती हुई धूप में कोई बहुत बड़ी उस समय जो आगे चल करके शिष्य हुए हमारे भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी, जब वो पहले आए थे तो उस समय तो उन्होंने बहुत क्षुधा प्यासा आए थे, केशव गोस्वामी महाराज जी उनको इतना स्नेह दिया और एक पानी के गिलास दिया और इसी में ही वो मंत्रमुग्ध होकर के पूरा अपना घरवार को छोड़ करके उन्होंने मठवास को स्वीकार किया था, केवल एक व्यवहार। इसीलिए हम लोगों को भी ये शिक्षा है जो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए गुरु जी आप लोगों से मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे, आप वास्तव में आशीर्वाद करें, महाराज जी वास्तव में आशीर्वाद करें, इस प्रकार हमें ही गुण अपने आप आए और हम सेवन मुखो होए परंतु निष्कपट भावना से। तो ये महाराज जी का एक प्रणय की सेवा भी था और साथ ही साथ इन्होंने कौन सी सेवा भी किया, जहां पे जाकर के इनको डांटना होता था, फटकारना होता था, वो भी वो काम को करते थे। इसलिए महाराज जी की अनंत महिमा है और काल आप सभी लोगों को जाना भी है, महाराज जी श्रीमुख से थोड़े राधा कृष्ण के और बातें हम श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हैं सब सब सुना दिया यही लाए थे सुनाने के लिए, ठीक है हो गया सर। हाँ अभी टाइम बहुत हो रहा है, अभी इनकी कथा बहुत कथा, अगर समय होगा तो कल हम सुनेंगे। और देखो ये अभी कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीना में आप लोग जितना दूर हो सकता है
केवल आज आए नहीं, कोशिश करना रोज शाम को जो सवेरे आ सकते हैं, कुछ कुछ माताएं भी सवेरे आती हैं, क्योंकि इसी महीना में ठाकुर को दीप दिखाना, इसी महीना में कथा सुनना, इसका बड़ा पुण्य है, बहुत पुण्य, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जो यहाँ मंदिर में आकर कथा सुन रहे हो, सब ऊपर में रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठाकुर के दरबार में राधा रानी के पास में, हाँ यहाँ भी हो रहे हैं। और गोलोक बोले श्री जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, बोले गिरिराज महाराज की। हाँ इसलिए आप लोग कोशिश करना सवेरे आओगे तो हम लोग राधा दामोदर का अष्टक सुनेंगे, कैसे कृष्ण मक्खन चोरी करते थे, मैया कैसे उकल में बांधी, उसमें जो क्या सीखा। अगर शाम को आओगे फिर हम लोग पूरा ब्रजमंडल धाम का परिक्रमा कथा सुनेंगे, क्योंकि एक महीना पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी है। इस बार ये कोरोना की वजह से है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं, और कुछ कुछ भक्तों को लेकर बीच बीच में कुछ वहाँ पर हो रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ बैठ कर कोशिश करेंगे पूरी एक महीना पूरा वृंदावन की कृष्ण लीला स्थलियों का कथा यहाँ बैठ बैठ कर सुनने के लिए, ठीक है। आप लोग बोलोगे, हाँ देखो आप लोग बोलोगे क्या यहाँ बैठ बैठ कर सुनने से फल मिल जाएगा, बोले एकदम फल मिल जाएगा। देखो एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, वो रोज सत्संग सुनता था, लेकिन मन में बड़ी भावना है अगर मेरे पास में पैसा होता ना ठाकुर को मैं खूब ठाठ बाड़ से सेवा करूंगा, लेकिन बेचारा गरीबी है। एक दिन उसने सत्संग में सुना ठाकुर जी कहते हैं अगर कोई मन मन में भी अगर मुझे कुछ सेवा दे, बस सेवा करे उसमें भी खुश हो जाता हूँ। वो तो बड़ा खुश हो गया, ठाकुर जी कहते मन मन में सेवा करने से खुश हो जाएंगे। उसने क्या करता है, रोज ठाकुर के सामने बैठ करके मन मन में ठाकुर को श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाना, मन मन में सेवा करता है। करते 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 इतने आविष्ट हो गया, एक दिन बैठ कर सेवा कर रहा है, उनने सुंदर सोने की सिंहासन बनाए और सिंहासन को बीच में लक्ष्मी नारायण को बैठाए, बैठा करके उन्होंने गंगा पानी सोने की कलश में गंगा पानी लाए और पंचामृत से ठाकुर जी को दूध दही घी शहद से ठाकुर को अभिषेक किया। सोच रहे हैं आज ठाकुर को प्योर गैया की है दूध में और उसमें मिश्री काजू पेस्ता डाल करके और उसमें केसर डाल करके ठाकुर जी को आज खीर भोग लगाऊंगा। बोले कौन सा पात्र में, बोले सोने की कटोरी में। किसमें, मन मन में, कुछ नहीं है और मन मन में सोच रहा है ठाकुर को सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाए, अभी खीर बन गया। अभी नियम है ठाकुर जी को है एकदम गर्मी चीज उतार करके नहीं देनी चाहिए, जैसे हम एकदम गर्मी चीज नहीं खा सकते, उतार करके नियम है उसको थोड़ी सी ठंडा करके देनी चाहिए। उसने देखा ये गर्मी ना ठंडा है, उसने अंगुल डाला मन मन में, अंगुल डालता अंगुल फोफला पड़ गया, कुछ है नहीं अंगुल फोफला पड़ गया, वो जो ध्यान में बैठा हुआ था ध्यान टूट गया, देखा अंगुल फोफला पड़ा हुआ, अभी बैठे बैठे करके रो रहा है। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी का आज मैं खीर भोग नहीं लगा पाया, किस लिए अंगुल उसमें फोफला पड़ गया, वो खीर हो गया अपवित्र, अभी वो खीर ठाकुर को भोग नहीं लगा पा रहे, केवल मन मन में सोच रहा है। देखो क्या हो रहा है, वैकुंठ में नारायण बैठे बैठे करके मुस्कुरा रहे हैं और मैया लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी। मैया लक्ष्मी पूछी प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो उन्होंने सारी घटना सुनाए कैसे मरते जगत में मेरा एक भक्त मन मन में मेरे को कैसे खीर भोग लगा आ रहा था, लेकिन अंगुल डाला तो फोफला पड़ गया, अभी रो रहा है ठाकुर का आज मैं भोग नहीं लगा पाया। लक्ष्मी बोली प्रभु ऐसे ऐसे भक्त मरते जगत में रहते हैं, बोले हाँ, बोले मेरे को ले चले इसे भक्तों का दर्शन कराओ। ठाकुर जी लक्ष्मी को गरुड़ के ऊपर बैठा करके लाए, बोले देख ये भक्त बैठ करके कैसे रो रहा है। ठाकुर जी भक्तों को उठाए, गरुड़ को पीठ पर बैठाए और उसको वैकुंठ ले गए, उसको वैकुंठ ले गए। हाँ इसलिए कहते उसी तरह अगर हम यहाँ पर बैठ बैठ करके अगर हम ब्रजमंडल की कथा यहाँ सुनेंगे, वृंदावन की कथा सुनेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन गृह भजन देखे गृह तक गोलोक भाए, अगर जिस दिन हमारे घर में ठाकुर का कीर्तन कथा होना वो घर नहीं वही गोलोक वृंदावन है। इसलिए आप लोग रोज शाम को आना, रोज वृंदावन की हम सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा हम रोज रोज यहाँ पर रोज रोज ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ठीक है। आप लोगों को एक एक मैं विषय दे दूंगा, नवीन प्रभु एक है, बलराम प्रभु बोलेंगे तो एक है, चिराग हमारे राहुल जो सुने बोलेगा आपको एक, हम सब लोग एक अलग अलग विषय लेंगे वृंदावन की,
अलग अलग ठाकुर जी की कथा लेंगे, स्थान लेंगे, और हम लोग उसको रोज रोज उसी विषय पर, हम यहाँ पर रोज रोज उसी विषय पर हम विवेचना करेंगे, ठीक है। कीर्तन के बाद में आपको मैं एक एक विषय दे दूंगा, ठीक है। रोज रोज अलग अलग जगह पर जैसे जाकर कथा सुनते थे, अलग अलग भगवान की हम कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की। हाँ, वो गौड़ी गुत उसी में ना, हाँ उसको, हाँ ब्रह्मोत्सव में उसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की आरती है, वो आरती को निकाला। तुम आरती करो, अभी हम लोग खड़े होकर के गुरु जी की आरती करेंगे, और एक एक फूल लेकर के गुरु जी के चरण में देना, और इसको बाद में आप सभी प्रसाद पा करके जाना, बगैर प्रसाद से कोई नहीं जाना। और सुना, और एक काम है, एक महीना तो कोशिश करना थोड़ी नियम पालन करने के लिए। क्या नियम है? थोड़ी सी सवेरे जल्दी उठाओ, ठीक है ना, और कोशिश करना आरती में आने के लिए, और जितने भजन पूजा करते हो थोड़ा ज़्यादा हरिनाम करो, टमाटर नहीं खाना, घिया बैंगन परवल ये सरसों का तेल सरसों ये महीना में नहीं खानी चाहिए, और जितने सब्जी खा सकते हो, और इस महीना में घी और बादाम जो मूंगफली तेल में रसोई बनाना, ठीक है। और कोशिश करना थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भजन करने के लिए, स्तुति स्तव आरती जय जय। Thank you.
Thank you.
श्री श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय। श्री राधा रमण जी की जय। जय तुलसीदास कृष्णपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरुदेव की जय। जय तुलसीदास कृष्ण विष्णुपाद कृष्ण भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय तुलसीदास कृष्ण विष्णुपाद भक्ति वेदान वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय तुलसीदास कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय तुलसीदास कृष्ण विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय तुलसीदास कृष्ण विष्णुपाद शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभाज की जय। परमहंस भगवती श्री गोविंददास गोस्वामी महाराज की जय। सच्चिदानंद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। वैष्णव आचार्य शब्द विष्णु प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण श्री ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास रविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री षड गोस्वामियों की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रमानंदादि गौर पार्षद संत की जय। राम आचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तन की जय। श्री नंदी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप गोवर्धन द्वादश पक्षी मंडल की जय। द्वादश पुण की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्तवृष प्रहलाद महाराज की जय। विघ्नाशक भगवान नरसिंह देव की जय। चारों धामों की जय। चारों आचार्यों की जय। चारों परंपराओं की जय। आगर मठ राशि चेतन मठ की जय। श्री गौड़े वेदांत समिति की जय। केशव जी गौड़े मठ की जय। श्री रूप सनातन गौड़े मठ की जय। रमण बिहारी गौड़े मठ की जय। श्री राधा गोविंद गौड़े मठ की जय। श्री राधा विनोद बिहारी गौड़े मठ की जय। श्री गौरनारायण गौड़े मठ की जय। देवानंद गौड़े मठ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री हरिनाम महामंत्र की जय। अनंत वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। परम गुरुदेव की जय। गौर प्रवृंद गौर प्रवृंद इधर भी रमजी इधर है। रमजी